तो ये कुछ ऐसा था यहाँ पे रूम। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा था कुछ व्यू। तो ये तो हे बड़ी क्या प्लान? कुछ नहीं प्लान भाई, कुछ नहीं प्लान। हाँ जी क्या प्लान? रात को थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और फिर घर आ जाएंगे। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है कितने बज रहे? 10। ओ भाई 10 बजने वाले। सो रात के बजने वाले हैं 10 और अब इससे आगे ना हो पाएगा हमसे। सिंगर था अरे नहीं बार डांस हो जाए जरा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। सो ये कुछ ऐसा सा व्यू, ये आप देख सकते हो। हमारा फ्रेंड है उसका ये यहाँ पे एक बढ़िया सा कैफे है। सो बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पे घर, ये है यहाँ पार्किंग। तो अभी गाड़ी करते हैं साइड में पार्क और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। सो अभी गाइस यहाँ से चलते हैं आगे। हाँ जी ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? उल्टा लगा हुआ बैग भाई। हाँ भाई क्या हाल चाल। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम आ रखे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि है देहरादून में। तो बात करते हैं यहाँ के ओनर साहब से। हमारे अंशुल भाई हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, बहुत ही खास यार हैं। तो ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है तो जानते हैं अंशुल भाई। अंशुल भाई कितना टाइम हो गया इस प्रॉपर्टी को? इसको अभी हमने लास्ट जुलाई खोला था। अच्छा। और अभी बीच में हमने इसे रेनोवेशन के लिए शट डाउन करा। उसके बाद अभी हमने बाहर का लाइसेंस वगैरह पेट्रोल कर लिया है। अच्छा। तो अब हमने लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में इसे ओपन कर दिया। अच्छा सबसे पहले तो मुझे अंशुल भाई ये बताओ ये आइडिया कहाँ से आया? कहाँ से चलाया? देखो सच बताना, चुराया कहीं से नहीं है। बेसिकली ये था कि बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट था तो हमने प्लान करा था कि एक अपना एक आउटस्कर्ट में कुछ होना चाहिए, एक अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करने के लिए। तो लॉकडाउन में बेसिकली प्लान बना। मेरा फ्रेंड एक गोवा रहता था, ही केम बैक, आर्किटेक्ट है। उसने मेरे को बोला कि भैया लेट्स प्लान फॉर अ कैफ़े। तो कैफ़े के लिए हमने प्लान करा, उसे एक स्टार्ट करा। एक टेस्ट एंड ट्राई जगह थी बट कैसे वो टेस्ट एंड ट्राई एक रेगुलर इनकम में कन्वर्ट हो गया और कैसे लोगों का आना शुरू हो गया वो खुद हमें नहीं पता चल पाया। एक लोकेलिटी का एक लोकल होने की वजह से काफ़ी फ़ायदा मिला हमें। और काफ़ी पुराने दोस्त यार उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं यार अच्छा है। फूड का रिस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा तो इसीलिए हमने दोबारा इस जगह को रेनोवेट करा। आपको आज़ादी मिली, मतलब एक अलग सुकून था। नहीं ये भाइयों का प्यार है जो आते रहता है, अपनी जगह है। तो आओ आपको दिखाते हैं यहाँ का। तो ये पहले तो यहाँ का ऐसे है, ये हमारा एक सेक्शन ये है सीलिंग का। सामने हमारे ये कॉटेजेस हैं। हाँ ये सबसे मेन चीज़ मेरे को ये बताओ अंशुल भाई, ये रूम वगैरह तो बहुत से होते हैं लेकिन ये ताजमहल का आइडिया कहाँ से आया? तो ये बेसिकली एक हॉबिट्रॉन डिज़ाइन है जो एक 400 ईयर्स ओल्ड एक स्पेन लाइब्रेरी है। अच्छा। उससे हमने इंस्पायर होके इसे डिज़ाइन करा। ये सारा विंडोज डोर हमने खुद डिज़ाइन करा है। गाइस आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो यार। पहले तो यहाँ से देखो आप बाहर से, यार कितना ही अलग लग रहा है। बिल्कुल है ना, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। और ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। तो ये ऐसे कुछ रूम है, ऊपर आप देख सकते हो भाई। पर यार मैं सच बताऊं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी था नेक्स्ट लेवल है। मतलब कोशिश करी है, बाकी जैसे आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं ये उसकी वजह से ही आगे बस बार कोशिश करने की। अभी हमें फिलहाल 2 कॉटेजेस ऑपरेशनल है। अच्छा। इसके बाद अब हम 4 कॉटेजेस और बना रहे हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल जैसे जैसे हमने कहा पहले टेस्ट एंड ट्राई जैसे बता रहा था, टेस्ट एंड ट्राई था, 2 कॉटेजेस बनाए, अच्छा रिस्पांस आने लगा है फूड एंड कॉटेजेस स्टे के लिए। तो अब 3 कॉटेजेस 4 कॉटेजेस हम सॉरी और बना रहे हैं। सो यू कैन सी गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा एक बेड लगा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी लाइटिंग। तो मतलब ऐसे भी नहीं है लाइटिंग की बिल्कुल आंखों में लगे। ये हमने कोशिश यही करी कि हम सारा वार्म लाइट में जाए। आप देखिए कोई भी लाइट ऐसा नहीं है की आंखों में वाले नहीं है, ऑल वेलकमिंग कलर्स है। तो तो यहाँ आपको बेड मिल जाता है, एक आपको अपनी एक छोटी सी टेबल मिल जाती है, अपना सेपरेट वॉशरूम मिल जाएगा, और ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी सीटिंग मिल जाती है। एसी रूम्स है, तो एसी है, अपना टीवी मिल जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा था बाहर का व्यू। ये यहाँ पे अपना एक सिटिंग छोटा सेक्शन है, यहाँ पे भी सिटिंग है, ये एक सिटिंग यहाँ पे बनाया है, छोटा सिटिंग सेक्शन यहाँ पे अभी तो इसका काम चल रहा है। बाकी एक है बाहर में एक पानी के पास, कई सारी छाते गिरे पानी के पास, तो यहाँ से हमने एक सिटिंग बनाया जिसको सबके पानी में लोग जाते हैं। आप लोग देख सकते हो ये जस्ट बगल, ये शहर का पानी है। अच्छा, ये सब फ्लावर्स वगैरह, ये मतलब हर एक चीज़ ना भाई ने दिल से करी हुई है यार, और वो दिखती है ना, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो ये कुछ ऐसा नीचे का यहाँ का व्यू, यहाँ का किचन यहाँ पे है, किचन मेरा ये ऑपरेटिंग है। अच्छा, तो यहाँ किचन है, ये किचन सेक्शन है। यहाँ पे हम बढ़िया बढ़िया खाना बना देते हैं, हाँ बहुत ही तो ये है कुछ ऐसा सब व्यू यहाँ का किचन है, तो बहुत ही अच्छा। तो जैसे अंशुल भाई के आगे आप प्लान कर लो, ये यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा अंशुल भाई के आगे प्लान कर लो कि यहाँ पे बार वगैरह बार का सेक्शन वो ऊपर बनेगा। ऊपर ही सोचा, अच्छा ऊपर सोचा पूरा, वो पूरा कवर हो गया अंदर, तो हम तो ऑलरेडी एक साइड लाइन है। अच्छा, ऊपर बाकी हम रूफटॉप को भी कवर कर लो। गाइस आओ आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू कैसा लगता है। बहुत मतलब कहते हैं ना दिल से यार, तो भाई में आपको अंशुल भाई की इंस्टा आईडी या यहाँ का जो भी कांटेक्ट नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो अंशुल भाई एक बात बताओ, जो ये कितना टाइम हो गया इसे अभी करते हुए आपको? अभी हार्डली 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। कैसा रिस्पॉन्स है? काफ़ी अच्छा, मतलब हमसे पूछो तो हमें तो ऐसा लगता है यार नेक्स्ट लेवल। नहीं अभी बिल्कुल, हम लोग 2 या 3 बार आ चुके हैं, तो ये मेरे अपने जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, हम 4 से 5 बार आ चुके हैं, मतलब दिस इज वेरी 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 बहुत ही LIT बेस्ट, पूरे मालदेवता में बेस्ट खाना अगर आपको चाहिए तो फिर इधर ही मिलेगा। इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो अगर आप लोग कभी भी पार्टी प्लान कर रहे हो या आप लोगों को वीकेंड पे या कभी भी आना हो तो एक बार जरूर चेकआउट करो। प्लेजर ऑलवेज ऑलवेज प्लेजर। एनीवे थैंक यू। थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, होगे तो पक्का डिस्काउंट है ना, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ज़्यादा मत लेना भाई। बिल्कुल। सो चलो बाय गाइस, मिलते हैं। सो गाइस ये आ चुका है हमारा छोटा सा थोड़ा सा फूड, ये हमारे शर्मा जी पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। रुक जा, लटें से संभलती नहीं रेशमी गाल पे ये संभलती। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये डोले धड़कन ये बोले दिल तो बच्चा है। सो फाइनली गाइस आ चुका है हमारा डिनर। सो इस पे है आर्यन, इस पे क्या मंगाया तूने? बटर चिकन। ओ भाई सो ये है आर्यन का बटर चिकन, और ये है हमारा राइस, और इस पे हैं रोटी, और ये हमारा सैलेड। सो ऐसा सा है कुछ डिनर। सो गाइस सब करते हैं डिनर और मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप लोग भी कर लो डिनर, बाय बाय। तो गाइस आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, अगर ब्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय दबा तब जय दबा।